गरीब संपर्क यात्रा से गरीब जगाओ सम्मेलन को लेकर आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक सब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एवं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन लखीसराय पहुंचे, जहां शहर के नगर भवन में आयोजित गरीब जगाओ सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और मंत्री संतोष सुमन का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम में सिकंदरा के विधायक सब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रफुल्ल मांझी, बाराचट्टी की विधायिका ज्योति देवी के अलावा कई विधायक एवं नेता मौजूद रहे। मौके पर सिकंदरा विधायक प्रफुल्ल मांझी एवं युवा नेता आशुतोष कुमार के द्वारा जीतन राम मांझी एवं संतोष सुमन को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मैट्रिक और इंटर पास छात्र छात्राओं को जीतन राम मांझी एवं अन्य नेताओं के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने कहा कि गरीब संपर्क यात्रा का उद्देश्य यही है कि गरीबों तक सरकारी योजनाएं पहुंच रही है या नहीं उसे देखना। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान गरीबों तक लाभ पहुंचने में हो रही परेशानियों के संबंध में जनता से जानकारी मिली है। सभी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जाएंगे। वहीं जीतन राम मांझी ने पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई का भी समर्थन किया है और कहा है कि हम लोग महागठबंधन में मजबूती से है। साथ ही जीतन राम मांझी ने कहा कि 2024 में पार्टी का क्या स्टैंड होगा यह बाद में बताया जाएगा। अभी बताया गया, हमारे वक्ता एक बोल रहे थे, वही बात बोल रहे हैं जिस बात को लेकर के हम लोग चलते हैं कि गरीब लोग जिसके लिए हम लोग स्टैंड करते हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर का एक नारा है कि दुनिया के गरीबों एक हो और सबका इरादा नेक हो, और हम लोग यही जानते हैं कि दुनिया में दो ही जाति है, एक गरीबों की है एक अमीरों की है। लेकिन अमीर अमीर होते जा रहा है और गरीब का नाम लेकर के सारी योजनाएं आती है, उसको लाभ नहीं मिलता है, बिचौलिया लोग उसको लोग इधर उधर कर देते हैं। तो हम लोग गाँव-गाँव जा कर के उनसे मिलते हैं, उनकी समस्याओं को लेते हैं और संकलित करके माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष पेश करते हैं, सरकार में पेश करते हैं, ताकि उनकी समस्याओं का निदान हो। और इसमें बड़ी सफलता मिल रही है और कुछ जनरल समस्याएं भी सामने आ जाती है। इसके बारे में हम अपने वक्तव्यों में भी बोलते हैं कि जनरल समस्या है उसको दूर किया जाना चाहिए, और इसीलिए हम लोग गरीब संपर्क यात्रा निकालने का काम किया है। पहला चरण हम लोगों का मगध प्रमंडल में समाप्त हुआ है, अब दूसरा चरण ये मुंगेर प्रमंडल में शुरू हुआ है, आज तीसरा दिन मुंगेर प्रमंडल का है और हम लोग 28 तक के इसको समाप्त करेंगे। और इसी तरह से समस्त बिहार के हर प्रमंडलों में हम लोग जाएंगे और सारी समस्याओं के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार को बताएंगे, और साथ साथ सभी समस्याओं का फ्रिस्ट हम लोगों के पास रहेगा। और नवंबर 2023 में गांधी मैदान में हम लोग जुटेंगे और उस समय सबसे पूछेंगे कि तुम्हारी समस्याओं का क्या हुआ, और उस समय अगर नहीं हुआ होगा तो माननीय मुख्यमंत्री पर और दबाव डालेंगे ताकि उन लोगों का समस्या का समाधान हो। तो इसलिए जो समाधान यात्रा नीतीश कुमार ने निकाला है उसका ये दूसरा रूप है, सप्लीमेंट है, यही है। सरकार के विपक्ष नहीं, सरकार के पक्ष में है और सरकार को मैंने एक तरह से सप्लीमेंट कर रहे हैं जिससे समस्याओं का समाधान हो। देखिए, हम लोग जो महागठबंधन में हैं, सात पार्टी हम लोग आपस में मिलने वाले हैं बहुत नज़दीक में, और मिल करके हम लोग तय करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी होगी 2024 और 2025 का। इसलिए अकेला कोई नहीं कर सकता है, सातों पार्टी के लोग जब डिसीजन लेंगे बैठ करके तो फिर आप लोगों के सामने आ जाएगा कि हम लोग क्या चाहते हैं। देखिए, आनंद मोहन जी को हम व्यक्तिगत रूप में जानते हैं, एक ऐसी परिस्थिति आ गई कि उनका नाम आ गया एक शेड्यूल कास्ट पदाधिकारी के हत्या में, और सजा भी भोग लिए, और सजा भोगने के बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जेल मैनुअल में चेंज लाने का काम किया, और उससे न सिर्फ आनंद मोहन बल्कि दर्जनों लोग को लाभ मिला है। तो ये एक कानून की बात है, माननीय नीतीश कुमार जी ने इसको सोचा है। व्यक्तिगत रूप में मैं मानता हूँ कि आनंद मोहन कोई क्रिमिनल आदमी नहीं है। खास वर्ग की रिहाई हुई है सर, बीजेपी आरोप लगा रही है सर।
अब बीजेपी कुछ कहे उसका जवाब, हर बात का जवाब देना उचित नहीं है। ठीक, चलिए, हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।